तो गाइस यार ये है एक मीठी मीठी लॉलीपॉप जो कि यार बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है बचपन के अंदर। जब मैं भी छोटा था तो यार घर वालों से 1 रुपए लेता था, दुकान पर जाता था और ये छोटी सी 1 रुपए वाली लॉलीपॉप खरीद कर खाता था। और ये जो लॉलीपॉप होती है वो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साइज में बनी हुई होती है ताकि उनको भी मजा आए, काफ़ी देर तक चले और इसकी कॉस्ट भी कम रहे ताकि यार बच्चे लोग जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे उसको आसानी से खरीद पाए। लेकिन गाइज यार आप यहाँ पर देखो कि यार 1 रुपए वाली जो लॉलीपॉप होती है वो बिल्कुल छोटी और कुछ ही देर के बाद में खाने के बाद में ये ख़त्म हो जाती है और जो मज़ा होता है वो मज़ा कुछ ही देर तक चलता है। तो गाइस यार आज हम इस वीडियो के अंदर ये छोटी लॉलीपॉप नहीं बिल्कुल इससे बड़ी लॉलीपॉप बनाने की कोशिश करेंगे। इससे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं कम से कम 100 गुना बड़ी लॉलीपॉप यानी कि लॉलापॉप बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि यार ये जो चीज है वो बड़ी हो जाती है तो फिर कैसी दिखती है, क्या हम उसको खा पाएंगे या फिर नहीं, क्या वो जो लॉलीपॉप होता है यानी कि लॉलापॉप वो कितना बड़ा दिखता है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं लॉलापॉप बनाने की तैयारी यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देसी लॉलापॉप। तो गाइस बड़ा सारा लॉलापॉप बनाने के लिए हमें सबसे पहले काफी शक्कर चाहिए होगी, तो हम इस थैली के अंदर से 5 किलो शक्कर निकाल लेते हैं और 5 किलो शक्कर ही इस थैली से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यार हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है इतनी बड़ी, तो हम सबसे पहले इस सभी शक्कर को यानी कि कुल 15 किलो शक्कर को गर्म करेंगे। इतना गर्म कर देंगे कि यार ये जो है बिल्कुल तरल पदार्थ का रूप ले ले। तो फटाफट से इन सभी को खाली करते हैं। तो गाइस काफी देर तक गर्म करने के बाद में हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो हम अपने कलर को इसके अंदर डाल देंगे। आप कोई सा भी कलर डाल सकते हो, हम ये जो रेड और भगवा कलर का मिक्स है वो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारा लॉलीपॉप जो है बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो और अब हम इसको काफी देर तक गर्म करेंगे। तो गाइज हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको लॉलीपॉप बनाने के लिए एक सांचे की आवश्यकता है। सांचे के लिए हमारे पास है एक मटकी, तो हम मटकी के अंदर इसको डाल देंगे और डंडी के लिए हम डाल देंगे बड़ा सारा डंडा। और अब हम इंतजार करेंगे पूरे 24 घंटे का। तो बन रही है हमारी बच्चों वाला सबसे बड़ा वाला लॉलीपॉप। तो गाइस यार 24 घंटे के बाद में आपके सामने पेश है दुनिया का सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो कि यहां पर है। तो गजर ये है हमारा देसी लॉलीपॉप जो कि 24 घंटे के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। जब हम इसको बना रहे थे तो हम घर पर थे और इसको यहाँ तक लाने के लिए हमें भी गाड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो चीज़ है वो कितनी बड़ी है और एक छोटी लॉलीपॉप से कितना बड़ा है। तो गजर हमें भी इसको फोड़ने के लिए एक हथौड़ा चाहिए क्योंकि यार ये जो चीज़ है वो इस मटकी के अंदर बंद है और अभी तक मुझे नहीं पता कि यार ये अंदर से कैसी बनी होगी। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो के अंदर मजा आता हो तो वीडियो को लाइक करना है, और भी ज्यादा मजा आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और सबको दिखा दो कि यार देसी जो लॉलीपॉप होता है बड़ा वाला वो कैसा दिखता है। और अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ और अपने लॉलीपॉप को देखते हैं।
तो गाइज मुझे काफी जो डर है वो महसूस हो रहा है, क्योंकि यार अगर हम इस मटकी को फोड़ते हमारे देसी लोलापॉप को कहीं फोड़ बैठे तो यार अनर्थ हो जाएगा। तो गाइज दुआ करना कि यार हमारा लोलापॉप जो है बिल्कुल सही सलामत रहे। Wow, यार। My God! The world biggest lollipop ever. Yeah! तो गाइस यार आप लोग यहाँ पर देखोगे यार एक लॉलीपॉप को उठाने के लिए तीन तीन बंदों की मेहनत लग रही है, तब जाकर ये जो लॉलीपॉप है हमसे जमीन से उठ पा रही है। और आप लोग देखोगे यार छोटी लॉलीपॉप जो होती है वो इसके सामने कैसी लगती है। गुडू निकाल। एक तो ये लॉलीपॉप है, एक ये है, एक इसको खा, इसको फेंक दे, इसको खा, एक ये लॉलीपॉप है। तो गाइस यार ये जो ओ भाई गिर जाएगा, इसको खाने की कोशिश करते हैं। ओ भाई बहुत मीठी है। बहुत ज्यादा मीठी है, टेस्ट है। लग मस्त रही है ना, तगड़ी है यार, तगड़ी है। तो यार आप लोग बताओ कितने आदमी मिलकर खा सकते हैं इसे, पूरे गांव वाले। भाई साहब यार क्या लग रही है, मुझे दे मुझे दे, वेट दे इसका कितना है। ओ भाई भाई साहब यार ये जो लॉलीपॉप है वो सच में बहुत बड़ा है, बहुत मॉन्स्टर है, और हम जो है सारे टीममेट मिलकर भी इसको 10 दिन के अंदर भी नहीं खा सकते, इतना बड़ा ये लॉलीपॉप बन गया है। तो गाइस यार अब होगा असली मुकाबला, यानी कि इस बड़े लॉलीपॉप और हमारी लॉलीपॉप के बीच में। तो गाइस यार पेश है आपके सामने बड़ा लॉलीपॉप और छोटी लॉलीपॉप। आजा आजा या या डिस्क्या डिस्क्या लड़ा लड़ा अबे डिस्क्या यो डिस्क्या यो लड़ा लड़ा आ मेरे पास आ, रुको जरा मेरे घर जाओ। ये टकराएगा हमारा लॉलीपॉप जिंदाबाद, हमारा लॉलीपॉप जिंदाबाद, हमारा लॉलीपॉप जिंदाबाद, हमारा लॉलीपॉप अमर रहे, अमर रहे। अरे ये नहीं टूटने वाला हमारी रेखा, क्योंकि इसको कोई खा नहीं सकता, इतना बड़ा। तो भाई साहब यार हमारा लॉलीपॉप जो है इतना बड़ा है यार हम सभी से ये बिल्कुल भी नहीं खाई जा रहा, यानी कि अगर हम इसको खाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 10 15 या 20 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे अपने सभी जो गांव वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर छोटे छोटे पीसेस दे देंगे और उन सब के अंदर बांट देंगे, ताकि यार उनको भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले। तो अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना है, और हाँ यार आप लोग वीडियो देख लेते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, तो यार आज आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लीज जरूर से करना, क्योंकि यार ऐसे जो धमाके हैं वो आते रहेंगे एक्सपेरिमेंट किंग के ऊपर, और आप भी मजे लेते रहेंगे एक्सपेरिमेंट किंग के ऊपर। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ और ये बोल रहा है यार बेल आइकन भी दबा दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर रहे हो तो यार साथ में बेल आइकन वाला घंटी होता है ना वो भी दबा दो, ताकि यार सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और अब इस लॉलीपॉप को हम गांव के बच्चों के अंदर बांट देंगे। चलो गांव चले, चलो चलो।